गुड मॉर्निंग, मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स पर। दोस्तों आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से हम मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हम मैथमेटिक्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बच्चों को सबसे कठिन लगती है, बट अगर उसको अच्छे से समझ लिया जाए तो वो सबसे आसान है, वो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो दोस्तों आज से हम मैथ की एक्सरसाइजें और फिजिक्स दोनों हमारी क्लासेस होंगी, दोनों के हमारे वीडियो आएंगे और एक से एक बहुत ही आसान तरीके से आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स कितनी आसान है, कितनी सरल है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो सबसे आसान विषय आपको मैथमेटिक्स लगेगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज से अपनी मैथ की एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमारी मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। देखिए हमने एक यहाँ पर एक राइट एंगल बना लिया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, एक एक शब्द सुनेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या ज़रूरी है, एक राइट एंगल होना चाहिए। ये हमने एक राइट एंगल बना लिया है। राइट एंगल का मतलब है जिसका एक कोण 90 होता है, एक एंगल 90। ये हमने मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है। तो जो एंगल बी है, एंगल बी 90 है, इसीलिए इसको राइट एंगल कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूरी है कि राइट एंगल होना चाहिए, जिसका एक कोण 90 होना चाहिए। अब आगे देखिए, जो कोण 90 होता है उसके सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज होती है, इसे हम एच लिखते हैं। जो एंगल हम लेते हैं, अगर हम इस एंगल को मान लें थीटा है, तो जो एंगल हम लेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है पी, और जो शेष एक भुजा बच जाएगी वो बेस होगी बी। अब इसी को हम हिंदी में बताना चाहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूरी है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और एक समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण 90 होना चाहिए। तो जो कोण 90 होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में होती है कर्ण। जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब, और तीसरी भुजा जो बेस है उसको हिंदी में कहते हैं आधा। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये क्या है बेस, बेस का मतलब आधार, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब क्या हुआ कर्ण। तो ये तीन बातें आपको समझनी है। देखिए ये आपका हमारा था नोट नंबर 1। देखिए इस राइट एंगल में हमने ये कोण एंगल लिया है थीटा, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो गई। अब इसी तरह का एक दूसरा देखिए, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल में हमने एज इट इज़ ए बी सी वैसे ही लिख लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 है। तो 90 के सामने की भुजा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज एस यानी हिंदी में कर्ण। अगर हम अब इस कोण को ले लें थीटा, तो जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है यानी पी, उसको हम कहते हैं लंब, और जो एक हमारी साइड बच गई है उसको हम बोलते हैं बेस बी, और हिंदी में कहते हैं आधार, हिंदी में कहते हैं आधार। तो एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसका एक एंगल 90 हो। तो जो एंगल 90 होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण, राइट। और जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसे इसमें एंगल हमने ये थीटा लिया था, तो इसके सामने की भुजा ये हो गई परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसी में अगर हमने ये एंगल लिया था तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई परपेंडिकुलर लंब, और जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसको हम कहते हैं आधार। इसमें ये बच गई, ये आधार होगी, जब हम ये एंगल लेंगे तो ये आधार होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो हैं, मेन 3 हैं और 3 उनके अपोजिट हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं जिनमें से 3 मेन होते हैं, 3 उनके अपोजिट होते हैं। 3 मेन कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टैन थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन मेन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो ये तीन मेन होते हैं, इनके तीन ही अपोजिट होते हैं। अब इसमें छोटा सा एक फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है, उसको याद करना है। कैसे याद रखेंगे उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नई है, चूँकि नाइन्थ क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी एक्सरसाइज नहीं थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। टेंथ क्लास में ये स्टार्ट होती है। देखिए, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू जो निकाली जाती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर का अर्थ है हिंदी में लंब और हाइपोटेनस का मतलब है कर्ण। ये कॉस थीटा का क्या होता है, बेस, बी, बेस का मतलब आधार, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। इसी तरीके से टेन थीटा का क्या होता है, पी, पी अपॉन बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब और बी, बी का मतलब बेस यानी कि आधार। अब देखिए, तीन आपके मेन हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का पी अपॉन एच, हिंदी में लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का बी अपॉन एच यानी आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा का पी अपॉन बी, लंब बटे आधार। ये तीन मेन है, तीन के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब है जो नीचे का है ये ऊपर आ जाएगा, ये आएगा एच अपॉन पी। इसी तरह ये क्या आएगा, एच अपॉन बी, ये क्या आएगा, बी अपॉन पी। इतनी बात समझ में आ रही होगी, वैसे हिंदी का भी चेंज हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर कर्ण आएगा और नीचे लंब आएगा, कर्ण बटे लंब। इसमें क्या आएगा, कर्ण ऊपर आएगा और अपॉन बी का मतलब आधार आएगा। इसमें बी में आधार आएगा, बेस, और अपॉन पी परपेंडिकुलर यानी लंब आएगा। तो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल यही 6 आएंगे। इसको याद करने का एक आसान फार्मूला छोटा सा बताते हैं। ये आप मान लीजिए नोट नंबर 1, 2 और ये 3 था और ये चौथा बताने जा रहे हैं। नोट नंबर ये 3 था दोस्तों, ये 3 नोट हो गए और चौथा नोट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नोट बताते हैं जिससे आपके ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात दिए हुए हैं सब याद हो जाएंगे। तो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, और इसमें याद रखिएगा लाल, एल ए एल, अपॉन कक्का, के के ए। ये याद करने का एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं फार्मूला निकालने के लिए। लाल, एल ए एल, बटे कक्का, के ए। जो पहला है, ये पहला वाला जो है, अगर आप ऊपर से लेंगे तो साइन आएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। जो दूसरा वाला दिया हुआ है ये कास का है, आधार बटे कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। और तीसरा वाला जो है वो टेन थीटा का है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब हम ऊपर से लेंगे तो साइन कास टेन आएगा, और अगर हम नीचे से लेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का क्या होगा कास, कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे लंब, कास का क्या होगा कर्ण बटे आधार, टेन का क्या होगा आधार बटे लंब। तो बात समझ में आ रही होगी। अगर इसको लेंगे, नंबर 1 वाला आएगा साइन थीटा का ऊपर से, दूसरे वाले का किसका मान आएगा कास थीटा का, और तीसरा वाला किसका मान आएगा टेन थीटा का। कास साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। अगर नीचे से लिखेंगे तो साइन को उल्टा क्या आएगा कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, और ये बीच में जो लिखा हुआ है ये कास का उल्टा आएगा। इसको हम लिखते हैं सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और तीसरा टेन का उल्टा आएगा कॉट थीटा का, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप इतना छोटा सा ये याद कर लेंगे लाल बटे कक्का, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे पूरे जो 6 और रेशियो दिए हैं, जो फार्मूले होते हैं, आपको याद हो जाएंगे। तो पहली चीज़ आप इसको याद करिए, अब इसको याद करेंगे तो ये सारे फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आगे आपको बताते हैं।
इसमें सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री है क्योंकि इसमें हमें कोई ज़्यादा बड़े मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कोई इसमें वैल्यू नहीं है ज़्यादा कि हमको मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़े बड़े हमें जो है डिवाइड करने पड़ेंगे, एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइजें हैं, बस अर्थ इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, फार्मूलों को यूज़ करना होगा। अभी हम आपको बता रहे थे साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कास थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट कार थीटा होता है। तो ये हम इसका भी फार्मूला लिख ले रहे हैं क्योंकि आगे ज़रूरत लगेगी। नोट नंबर 5, साइन थीटा, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोसेक थीटा ऊपर आएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कास थीटा, तो कास थीटा, कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कास थीटा इज इक्वल टू 1/ सेक थीटा। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कास नीचे आ जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/ कास थीटा। नंबर 3 तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉट थीटा। अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो टैन नीचे आएगा, तो 1/ टैन थीटा। तो दोस्तों 3 फार्मूले आपके ये हो गए जो उसके अपोजिट थे, इनको भी नोट कर लीजिएगा और इनको भी याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूले, मुख्य फार्मूले। देखिए इतना ही समझ में आ गया। तो उन तीनों में से पहले पार्ट का हम कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी क्या है? एक राइट एंगल होना चाहिए। हमने एक राइट एंगल बना लिया, ये मान लिया राइट एंगल है, ये इसका एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 है। तो इसके सामने की भुजा हाइपोटेनस होगी, इसे हमने आर मान लिया। ये हमने एंगल थीटा लिया, इसके सामने की भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हमने इसको एक्स मान लिया, जो बची नीचे की वो बेस होगी, उसको हमने वाई मान लिया। क्लियर? कन्फर्म। ये जो थीटा लिया इसके सामने क्या होगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जो 90 इसके सामने की हाइपोटेनस यानी कर्ण, और जो बची नीचे की आधार यानी बेस बी। अब हमें जो सिद्ध करना है, डेरिवेट करना है, उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भी हमने फार्मूला बताया था, निकालना भी बताया था कि याद कर लीजिए। आप फिर एक बार देख लीजिए, लाल बटे कक्का, के ए पहला साइन है, साइन की जगह में क्या आया? लंब बटे का यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनस। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स, ये एक्स आ गया। अपॉन हाइपोटोनस क्या है? आर। एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर हो गया। फिर से समझ लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनस, परपेंडिकुलर क्या है? एक्स, और हाइपोटोनस क्या है? आर। तो एक्स अपॉन आर का स्क्वायर हो गया, प्लस कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार यानी बेस अपॉन कर्ण यानी हाइपोटोनस। बेस अपॉन हाइपोटोनस, बेस क्या है? वाई। अपॉन हाइपोटोनस क्या है? आर, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप आगे हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के सवाल में एलसीएम लेते हैं, तो आर स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर एज इट इज ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? राइट एंगल है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? परपेंडिकुलर, और वाई क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, राइट? पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पर हम आर स्क्वायर रख लेंगे अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। और यही हमें डेरिवेट करना था, यही इसका क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें सिद्ध करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल निकालने के लिए हमें राइट एंगल चाहिए। हमने राइट एंगल बनाया एबीसी, हमने जो एंगल लिया उसके सामने की साइड हमने एक्स मान ली, ये परपेंडिकुलर है। जो 90 है उसके सामने की आर मान लिया, ये हाइपोटेनस है। और जो बची उसे वाई मान लिया, ये बेस है। जो हमें जो सिद्ध करना था उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी एक्स, हाइपोटेनस अपॉन आर यानी एक्स अपॉन आर, इसका स्क्वायर था ऐसे लग गया, प्लस
cos theta is equal to क्या होता है base upon hypotenuse, base क्या है y, hypotenuse क्या है r, y upon r, इसका whole square, क्योंकि square था तो इसका भी square लग गया, दो पूरे का square है, दोनों का अलग अलग square होगा plus इसका अलग अलग square होगा. fraction में LCM लेते हैं, ऊपर हल किया जो मान आया Pythagoras theorem में x square plus y square is equal to r square, हल किया वन आ गया. तो दोस्तों पहला पार्ट हमारा इस तरीके से सिद्ध होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा. अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए, अभी हमें डायग्राम की जरूरत लगेगी इसलिए इसको हम रोक ले रहे हैं. देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एस कल टू सेक स्क्वायर थीटा. देखिए डायग्राम वही है जो पहले था, सब कुछ वैसे लेंगे. ये एंगल हमने थीटा लिया, ये ए था, ये बी था, ये सी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है. ये थीटा लिया, इसके सामने की एक्स मान लिया, ये 90 है, इसके सामने की आर मान लिया, हाइपोटेनस एच, ये बेस हो गया बी, इसको हमने क्या माना था वाई माना था, ये बेस हो गया बी. अब हम क्या करेंगे, जो हमें डेरिवेट करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब इसमें टेन की वैल्यू रख लीजिए, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल यानी कि लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको आगे हम हल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके बाद हल करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा वाई स्क्वायर. एलसीएम मैंने कहा हमने तरीका बताया था कि नीचे वाले टर्मों का इंटू कर लेते हैं, तो 1 का वाई स्क्वायर में इंटू करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर का एक में इंटू होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का एक्स स्क्वायर में इंटू होगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डायग्राम में देखिए एक्स क्या है परपेंडिकुलर और y क्या है बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, इसकी जगह में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया वाई स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर. अब जरा डायग्राम में देखिए आर क्या है हाइपोटेनस और वाई क्या है बेस. हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक होता है सेक थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा. यही हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया. तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, हमें सिद्ध करना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इसके लिए एक राइट एंगल चाहिए, हमने राइट एंगल बना लिया था एबीसी, इसमें जो 90 था उसके सामने की साइड हमने आर लिया था, इसे हम हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण कहते हैं. ये कोण हमने थीटा लिया था, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर एक्स मानी थी, इसे हम लंब भी कहते हैं, और जो तीसरी बची इसको हमने वाई मानी थी, ये बेस है इसे हम आधार कहते हैं. जो हमें सिद्ध करना था वो हमने ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन का मान रख लिया, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस वाई, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लिया था, पूरे का स्क्वायर है अलग अलग स्क्वायर हो गया था, इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1 ले लिया था, हमने एलसीएम लिया वाई स्क्वायर, इसका इसमें इंटू हुआ वाई स्क्वायर, 1 का इसमें हुआ, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डायग्राम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, इसकी जगह आर स्क्वायर आ गया अपॉन वाई स्क्वायर आया, दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर हो गया आर अपॉन वाई. आर क्या है हाइपोटेनस और वाई क्या है बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार इसकल टू क्या होता है सेक थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लग गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया. तो दोस्तों दूसरा भी समझ में आ गया होगा, इसी तरह तीसरा भी हो जाएगा, आप कर सकते हैं लगाइएगा, जहाँ पर टेन है वहाँ काट आएगा, काट इसका उल्टा होता है, रख के हल करेंगे तो ये सेक का बना है और वो कोसेक का बनेगा. तो दोस्तों आज आप इतना करिएगा, तैयार करिएगा, लगाइएगा, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत आए आप इसी को रिवाइज करिएगा, इतने को याद करिएगा, और जहाँ कोई दिक्कत आए वो आप कमेंट करिएगा या हमें बता दीजिए कमेंट करके, तो हम उसको आपको दोबारा बता देंगे. तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजें हैं जो सवाल हैं वो आपको हम अगले अपने वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमें इनके क्वेश्चनों को हल करना है. तो दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उस बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, कितने समय हम कौन सा अपना वीडियो डालेंगे आपको बताना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा.
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री जो आज हमने शुरू की है ये आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी इसमें दिक्कत आपको है तो आप बताइएगा, बिल्कुल उसमें आपको ज़रा सी दिक्कत आएगी नहीं। अब आपको अभी हम और सारे बहुत सारे नोट्स बताएंगे। तो ओके बेटा, दोस्तों लास्ट में हम इसकी समरी बताना चाहेंगे कि आज ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या आपको बताया। नंबर वन, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने हैं वो हमने 6 बताए। साइन, साइन का अपोजिट कोसेक। कास, कास का अपोजिट सेक। टैन, टैन का अपोजिट काट। और इनके फार्मूले क्या होते हैं, इसके एक छोटा सा फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का। लाल एल ए एल बटे कक्का के के ए, राइट। समझ में आया होगा, उसको ध्यान रखिएगा, पूरे 6 सूत्र याद रहेंगे। बाकी हमने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन काट थीटा। उसके बाद तीन हमने आपको मेंस फार्मूले बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो कैसे आया वो करके हमने आपको दिखाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाइएगा। नंबर टू, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नंबर थ्री, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप करिएगा। ये अगर नहीं होगा हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिएगा और इसमें ऐसी कोई चीज़ ना हो जो तुमको ना आए। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो आएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसको तुरंत अच्छे से समझ लें, तभी आपका इसमें फ़ायदा होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। और आज से जुड़ जाएंगे आप, आज से लगाने लगेंगे तो आप मैक्सिमम 2 मंथ आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर मॉडल पेपर करवाएंगे और सारे बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको जब आप कई बार लगाएंगे तब आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। और हम गारंटी लेते हैं जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करिए, मैथ और फिजिक्स दोनों में 100 में 100% नंबर आएंगे, बच्चों के आते हैं। ओके बेटा, तो बस आज के क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एफ 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। एफ 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta। दोस्तों ये जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक के सवाल हैं, आप एनसीईआरटी बुक के सवाल लगाइएगा, उनमें से जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। दोस्तों हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो कुछ नहीं आएगा वो सब कुछ हम बताएंगे, बस आप मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमारे दो दो चार चार वीडियो एक साथ हो जाए तब आपको मिले तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त टाइम होना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एक इसमें कुछ नई चीज़ आप सीखेंगे। एफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू में बतानी है। तो सबसे पहले दिमाग आप जो दिया है उस पर लगाइए, 5 cot थीटा। अब इसमें अगर हम 5 को यहाँ से हटा दें, सेंस 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, अगर इसमें हम cot थीटा की वैल्यू निकालें तो cot थीटा इज इक्वल टू आएगा 3/5। cot थीटा की वैल्यू मालूम हो गई और कार थीटा का हमने एक आपको फार्मूला बताया था, कास अपॉन साइन। तो अगर इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं साइन और कास ही लिखा हुआ है और कास अपॉन साइन का मान कार थीटा होता है, कास अपॉन साइन। तो अगर साइन से नॉमिनेटर यानी अंश में, डिनोमिनेटर यानी हर में हम डिवाइड कर दें साइन से, तो साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, कास अपॉन साइन काट आ जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, कास अपॉन साइन काट आ जाएगा। तो यहाँ दोनों काट आएगा और काट की वैल्यू भी मालूम है, रखेंगे और हल कर लेंगे। देखिए हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ए स्क्वल टू 5 साइन थीटा, साइन थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के अपॉन में 4
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, 100% नहीं 200% क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसमें भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा क्या, इसमें 5 बचा, माइनस 3 आया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है काट थीटा अपॉन 4 ऐसे आया, प्लस आया 3 ऐसे आया, कॉस अपॉन साइन की जगह में काट थीटा आया। अब देखिए यहाँ भी काट है तो यहाँ भी काट है, इन दोनों काट की वैल्यू हम रख लेंगे, 5 माइनस 3 इंटू काट थीटा का मान 3/5 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू काट थीटा का मान 3/5। अब देखिए इसके बटे 1 मानेंगे एलसीएम लेंगे, इसमें बटे 1 मानेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का हमने आसान तरीका बताया था कि जो नीचे दोनों में लिखा हो उसका इंटू कर लो, इसमें 1 है इसमें 5 है, इंटू करेंगे 5 आएगा, जो दूसरे के नीचे लिखा है इसका पहले में इंटू होगा, 5 का 5 में इंटू होगा 25 आएगा, माइनस 1 का इधर इंटू होगा 9 आएगा, इसमें एलसीएम लीजिए इसमें भी एलसीएम 5 आएगा, 5 का 4 में इंटू 20 आएगा, 1 का 3 जा 9 आ जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। इसमें हम आगे हल करेंगे, 25 में 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा अपॉन 29 आएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, यही इसका आंसर हो गया जो आपका क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर टेन का मान दिया होता सेम यही क्वेश्चन होता, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, देख लीजिए समझ लीजिए, और भी कहीं दिक्कत हो बताइएगा हम बताएंगे आपको। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 7 cm and AC minus BC is equal to 1 cm. Find the value of sin C and cos C. तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक राइट एंगल है, राइट एंगल आप जानते हैं जो जिसका एक कोण 90 होता है, एक ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल हमने बना लिया जिसका एक एंगल ही 90 है। अब देखिए 90 कौन सा कह रहा है, कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, ये बी है तो एक हमने इसको ए मान लिया और एक को हमने सी मान लिया, तो ए बी सी एक राइट एंगल हो गया जिसमें एंगल बी इज 90। अब देखिए मैं साइड कौन कौन सी दी है, ए बी का मान 7 दिया हुआ है, ये ए बी है ये 7 सेंटीमीटर हो गई। आगे कह रहा है ए सी माइनस बी सी, यानी ए सी ये है और बी सी ये है, यानी अगर ए सी में बी सी को घटाएं तो 1 आता है, तो अगर हम बी सी का मान एक्स मान लें, बी सी की जगह पे यहाँ एक्स रखें तो इस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ए सी का मान क्या होगा 1 प्लस एक्स, तो ए सी का मान आ गया 1 प्लस एक्स। तो दोस्तों ये सवाल भी हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी और जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो उसे हमें बेस, अगर एंगल हम सी लेते हैं तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस होगी, तो बेस और हाइपोटेनस आ जाएगा, उससे हम दोनों मान निकाल लेंगे। देखिए इसमें हम राइट एंगल निकालेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 7 का 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 को आप इधर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48/2, तो x इज इक्वल टू 24 आ गया, तो x की वैल्यू 24 आ गई, तो हमें पता चल गया कि BC की वैल्यू कितनी आई 24 आई, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, एक ऐड हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ओके हम इसे साइड में लिख दे रहे हैं, ये 24 आ गई और 24 में 1 जुड़ेगी तो 25 आ जाएगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान देंगे, साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, यानी एंगल हमें सी लेना है, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है,
90 के सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है और जो बची वो बेस होती है, यानी P हो गई लंब परपेंडिकुलर, ये B बेस आधार हो गई, ये हाइपोटेनस H या कर्ण हो गई। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन C का। साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये साइन C की वैल्यू निकल आई। अब हम cos C की वैल्यू निकालेंगे तो cos C इक्वल टू cos में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। बेस कितना दिया हुआ है 24 है, ये 24 अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेनस 25, ये आंसर निकल आया। तो दोस्तों देखिए कितना आसान सवाल है, देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा, जैसा सवाल में दिया हो वैसा आप करते जाइए, जो कह रहा है उससे विपरीत आपको नहीं करना है, कुछ ना कुछ अपना अलग से दिमाग लगाना है, जो दिया है वो करना है। तो इसको आप समझ लीजिए कैसे क्या है। दोस्तों आपने आज दोनों क्वेश्चन समझे होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो आप पहली एक्सरसाइज पूरी लगा सकते हैं, पहली पूरी एक्सरसाइज लगाइएगा। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा फिर से बता दूंगा, और अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो अगले दिन हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो दोस्तों इतने क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ, और समझ में आ रहा है तभी भी आप बताएँ ज़रूर, जिससे कि हमें पता चले कि आपको समझ में कितना आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू। आपको मैथमेटिक्स में जो समझाया था उसको एक बार जल्दी से 2 मिनट में बता देते हैं। दोस्तों हमने नंबर 1 बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, जिनमें 3 मेन होते हैं और 3 उनके अपोजिट होते हैं, उनमें से साइन कॉस टैन। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट काट। और इनके निकालने के फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का, याद करिए लाल बटे कक्का, एल ए एल अपॉन के ए, याद आया लाल बटे कक्का, लेंथ यानी कि लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा, आधार अपॉन कर्ण कॉस थीटा, लंब अपॉन आधार टेन थीटा ऊपर से और नीचे से, कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब टेन थीटा, ये हमने आपको बताया था। और नंबर 2 बताया था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ओके। और तीसरी चीज़ हमने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 मेन सूत्र थे और इन प्रत्येक सूत्र से 2 फार्मूले बनेंगे, तो इस तरीके से 3×3 9 फार्मूले हो जाएंगे। देखिए उसी के आगे नंबर 1 था आपका, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला था नंबर 1। इसी से 2 और निकलेंगे, अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकालें तो कॉस को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस है, जो कोई टर्म प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये बन गया, और इसका जो तीसरा फार्मूला आएगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये एक मेन फार्मूला था जिससे ये 2 फार्मूले बने, और दूसरा मेन फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इससे 2 फार्मूले बनेंगे, नंबर 5 टेन स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उधर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला अगर टेन को हम उधर कर लें तो नंबर 6 ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक इधर पहले से था, टेन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये मेन फार्मूला था, इस मेन फार्मूले के ये 2 फार्मूले बने। और तीसरा फार्मूला था ये आ गया 7वां, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा,
वन प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर कार्ड स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें तो नंबर वन कार्ड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा माइनस वन, ओके। और नंबर नाइन इसका तीसरा फार्मूला क्या निकलेगा, अगर इसको हम इधर कर लें तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा माइनस कार्ड स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इस प्रकार से ये तीन मेन फार्मूले थे, इससे ये दो निकले, इसके ये दो निकले और इसके ये दो निकले। इन फार्मूलों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं जो लॉन्ग में आते हैं चार नंबर में, उन सब के लिए ये ज़रूरी है, ये इनके मेन फार्मूले हैं, ओके। अब इसके आगे कुछ फार्मूले और हैं, उसके बाद फिर हम आपको निकालना बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर कोई नंबर दिया है किसी रेशियो का तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ी सी मैथ लगी है जो बराबर दूसरी तरफ ले जाते हैं, साइन बदल जाता है। आगे देखिए, अगला जो हमारा नोट है, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, जैसे हमें दिया हुआ है साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें लिखा है कास थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, जो होल स्क्वायर है वो यहाँ पावर आ जाएगी। इसी तरह तीसरा भी देख लीजिए, टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर पावर होल है तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, या अगर इस तरीके से लिखिए तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अगला नोट देखिए, क्यूटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्यूटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्यूटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, इसमें दो फार्मूले हैं, नंबर वन टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और नंबर टू इसका जो अपोजिट होता है कॉट थीटा, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट थीटा लेंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों ये दोनों क्यूटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इतने फार्मूले आपके इस पहले लेसन में हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले में बताएं इस पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू एट अपॉन सेवनटीन, इफ साइन ए इक्वल टू ए अपॉन सेवनटीन, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए, इफ साइन ए इक्वल टू एट अपॉन सेवनटीन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए। एंगल ए के लिए जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो हमें बताने हैं, तो हमें साइन दिया है तो रेशियो हमारे पास कितने बचे, पाँच, कोसेक कास सेक टेन और काट, ये हमें निकालना है। और कोई भी त्रिकोणमिति मान निकालना हो तो हमें तीन वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, यानी कि लंब आधार और कर्ण। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे साइन में जो दिया है वो फार्मूला क्या होता है, हमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू एट अपॉन सेवनटीन, साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, हमें क्या नहीं मालूम है, बेस नहीं मालूम है। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू दी होंगी, तीसरी वैल्यू निकालनी होगी, तो उसमें हम पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इसमें हमें जो वैल्यू मालूम होंगी वो रख देंगे, जो नहीं मालूम है वो निकल आएंगी। एच की जगह पे 17 का स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे 8 का स्क्वायर प्लस बी हमें निकालना है। 17 का स्क्वायर कितना होगा, इंटू कर लीजिए, सबसे आसान तरीका 17 × 17 हल करिए, 7 × 7 = 49, 4 आ गया, 7 और 4 11, 1 से करेंगे 7 1
982। तो ये आ गया 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर। 64 किधर लाइए, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस करिए 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, 225 किसकी रूट वैल्यू होती है, किसका स्क्वायर वैल्यू है 15 का, तो बेस आ गया 15। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में हमारा जो मेन काम है, पहले से पूरे में मेन काम क्या है कि हमें त्यों मान मालूम होने चाहिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। सवाल में दो मान दिए होंगे, तीसरा मान हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तीसरा मान हमें मालूम हो गया, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं उनकी हम फार्मूले लगा देंगे। देखिए हमें किसका मान बताना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये एंगल ए था तो कोसेक ए का निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, के अपॉन एल, या आप इसी को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन पी, इसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो ये कितना आ गया 17/8, इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद ये ए हो गया, दूसरा किसका मान निकालना हमें, कास ए का। कास का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फार्मूला याद करिए, कल हमने आपको बताया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपने अभी निकाला है, बेस कितना आया था 15 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 17, तो 15/17 ये इसका आंसर हो गया। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक ए, तो एच ऊपर होगा और बी नीचे होगा। वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू 15, ये इसका आंसर हो गया। अब अभी हमारे पास दो हमें और निकालना है, डी टेन का मान, टेन ए, देखिए एंगल ए का दिया था तो सारे मान एंगल ए के निकलेंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा, जिस एंगल का मान दिया है उसी एंगल के मान निकलेंगे। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, पी का मान 8 और बी का मान हम निकाल चुके हैं 15, 8/15। एक लास्ट ई पांचवा, टेन का उल्टा काट तो बी ऊपर आएगा पी नीचे आएगा, 15/8, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये इस तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री की पहले एक्सरसाइज में है कि एक वैल्यू दी होगी और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालने होंगे। इसमें साइन का मान दिया था, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और बेस हमने निकाल लिया। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें तीनों मान मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। उसके बाद जो मान निकालने वो फार्मूले लगा देंगे, मान रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टेन ए इज इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए की वैल्यू रूट थ्री दी हुई है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें टेन ए की वैल्यू दी हुई है रूट थ्री, कह रहा है कि इसके जो अदर बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम निकालना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यानी कि आधार, लंब और कर्ण तीनों में मालूम होने चाहिए। अब देखिए जो दिया है, सबसे पहले उसमें देखें हमें मालूम क्या है, तो टेन ए इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम वन मान सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो उसके नीचे हम वन मानेंगे। टेन दिया है, टेन में क्या होता है, पी अपॉन बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, बी का मतलब बेस यानी आधार, यानी कि लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया है, हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेंस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन, तो एच स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस वन, तो एच इक्वल टू अंडर रूट फोर, और रूट फोर की वैल्यू कितनी होगी, टू आएगी। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर मालूम है रूट थ्री, बेस मालूम है वन, हाइपोटेनस मालूम है टू, तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी आप कर लेंगे,
फॉर्मूले लिखेंगे और मान रख देंगे। हमें बताना क्या क्या है, हमें बताना है साइन ए कोसे के और उसके बाद का से कास का अपोजिट से के और टैन दिया है टैन का अपोजिट काटे। कास का साइन का क्या होता है पी अपॉन एच, कोसे के इसका उल्टा एच अपॉन पी, कास का बी अपॉन एच, सेक का इसका उल्टा एच अपॉन बी, काट का क्या होता है टैन का उल्टा बी अपॉन पी। अब तो इसमें वैल्यू आप रख सकते हैं, समय वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए पी की वैल्यू कितनी थी रूट थ्री अपॉन एच, एच की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है टू, इसमें एच की वैल्यू टू अपॉन पी की वैल्यू वही आ गई टू अपॉन रूट थ्री, ये इसका था ये इसका है। इसका निकालेंगे बी, बी का मान कितना दिया वन और एच का मान कितना निकला है टू, तो वन बाई टू ये इसका हो गया। सेक का निकालेंगे इसका उल्टा हो जाएगा टू अपॉन वन। इसके बाद काट का निकालेंगे बी, बी की वैल्यू दी हुई है वन अपॉन पी, पी की वैल्यू रूट थ्री। तो दोस्तों ये पांच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने थे ये हमने निकाल दिए। तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, मेन चीज़ क्या है कि हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों मालूम होने चाहिए। सवाल में बहुत ज़्यादा क्या होगा दो दिए होंगे एक नहीं मालूम होगा, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो एक नहीं मालूम है उसको निकाल लेंगे। जब वो निकल आएगा तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना हो हम सब कर लेंगे। ओके दोस्तों देख लीजिए समझ लीजिए। दोस्तों दो टाइप के सवाल आपने देखे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कैसे निकालते हैं, अब तीसरे टाइप का सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो लोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा तो ये आपके अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों देखिए तीसरे टाइप का सवाल क्या है, अगर ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू, कह रहा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू सो दैट टू कास स्क्वायर अल्फा माइनस फोर कास क्यूब अल्फा इज इक्वल टू जीरो। दो टाइप के सवाल हमने आपको बताए कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे हम जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास वो आसानी से पहुंच जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों दो तरीके का हम आपको सवाल बता चुके हैं, तीसरे तरीके का सवाल देखिए किस तरीके का आ सकता है। आता है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू, अगर साइन अल्फा का मान एक बटे दो है तो सो दैट करा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है थ्री कास अल्फा माइनस फोर कास क्यूब अल्फा इज इक्वल टू जीरो, थ्री कास अल्फा माइनस फोर कास क्यूब अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये सो दैट हमें सिद्ध करना है। तो एक चीज़ आपको हम बता दें अच्छे से समझ लो और अपने दिमाग में रख लो कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में कोई भी क्वेश्चन को अगर हमें सिद्ध करना है उसका डेरिवेट करना है तो एक साइड हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा और राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक साइड हम लेंगे दूसरी साइड आएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों साइडों को हल करते हैं और कोई इक्वल वैल्यू आती है तब भी वो सही हो जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है थ्री कास अल्फा माइनस फोर कास क्यूब अल्फा, यानी हमें कास अल्फा का मान चाहिए और कास अल्फा के लिए क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस ही है और हाइपोटेनस ही है। हमें दिया क्या है साइन दिया हुआ है। अब देखो साइन में होता क्या है आप सभी लोग जानते हैं, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, हमें बी नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रखिए एच का मान टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए
2 का 4 हो जाएगा, 1 को इधर ले आइए, a इक्वल टू b स्क्वायर, तो b का मान क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 3, 1 माइनस होगा 3 आ जाएगा। हमें बेस मालूम हो गया, हमें कास का मान चाहिए, तो आप कास अल्फा का मान निकाल लीजिए, तो कास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h, यानी रूट 3 अपॉन h, h की वैल्यू 2, ये कास अल्फा का मान निकल आया। अब हमें जो सिद्ध करना है, जो सो दैट दिखाना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और मान रख लेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 कास अल्फा माइनस 4 कास क्यूब अल्फा, 3 कास अल्फा माइनस 4 कास क्यूब अल्फा, इसमें मान रखिए 3 कास अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, रूट 3 बाई 2 माइनस 4 इंटू कास क्यूब अल्फा, कास अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अभी हमने फार्मूला बताया था, अगर अंदर पावर है तो होल पावर होता है, इस पावर का मतलब होल पावर होगा। इसको हल करिए तो ये आ गया 3 रूट 3/2 माइनस 4 इंटू रूट 3 की पावर 3 है, यानी रूट 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और एक 3 बच जाएगा। 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, चूँकि 2 की पावर 3 है, 2 × 2 × 2 तो 8 आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यह आ गया 3 अपॉन रूट 3, रूट 3/2 माइनस 3 रूट 3/2, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, तो इक्वल टू 0 आ गया। यही हमें क्या करना था, दिखाना था, सिद्ध करना था, यही राइट हैंड साइड आया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों, इस टाइप का भी सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में देखते हैं हमें क्या मालूम है, जो नहीं मालूम है उसको पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें बेस नहीं मालूम था तो उसको हमने निकाल लिया। जब निकाल आया तो हमें देखा जो सिद्ध करना है, हमें दिखाना है, उसमें केवल कास है, तो हमने केवल कास का मान निकाल लिया, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसमें उसका मान रख दिया और हल कर लिया। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब जो दूसरे टाइप के सवाल हैं वो हम आगे कल बताएंगे। फिर एक बार हम आपसे कहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियो मैथ के और साइंस के डालते रहेंगे, जिससे कि आपको टाइम से मिल जाए और उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए स्टेबल होगा, एक साथ हमारे दो वीडियो आप नहीं कर पाएंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो कुछ दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको हल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।